हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौसीफ रजा। आप देख रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर एक साथ लगाते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर एक साथ हमें बहुत ही ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है थोड़ी रिस्की होती है। तो यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले हमें चलना है अपनी अप स्टॉक ऐप पर। अब अप स्टॉक ऐप पर आकर हमें जो पहला इंटरफेस देखने के लिए मिलता है वो ये वाला मिलता है। अब यहाँ पर हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, या हमने एक दिन पहले कोई व्यू बनाया हो कि हमें किस स्टॉक में जो है आने वाले दिन हमें ट्रेडिंग करनी है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो सिंपल हमें वो स्टॉक जो है यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करके हमें सर्च कर लेना है। वरना अगर आपका कोई इस लिस्ट में यहाँ पर आ रहा है तो आप आपकी अपनी बाज लिस्ट से उस स्टॉक को जो है क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक स्टॉक ले लेता हूं कोई भी आज इंट्राडे ट्रेडिंग करने के दौरान, यानी कि तो मैं यहां पर स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल आईटीसी, क्योंकि यहां पर मेरा आईटीसी बहुत ही फेवरेट रहा, तो आईटीसी में देख लेता हूं। और आईटीसी में ही मैं तुम्हें दोनों तरह के ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर सिंपल हमारा आईटीसी ये है, तो सिंपल मुझे आईटीसी को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में भाई, मैं से मान लो मैं यहां पर आपको सिर्फ समझा रहा हूं, बट यहां पर आपका इंट्राडे के दौरान जो है एक अलग व्यू होना चाहिए। यहां पर सिर्फ ये जो वीडियो नॉलेज के लिए है, सिखाया जा रहा है सिर्फ आपको, आपका एक व्यू हो सकता है कि आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं अब यहाँ पर आप जो है मेरा आईटीसी का चार्ट आ गया, ठीक है, चार्ट हमने देख लिया। अगर हमें आईटीसी का और भी कुछ देखना है तो न्यूज़ भी यहाँ पर मिल सकता है, हमें फंडामेंटल भी यहाँ पर मिल सकता है, समरी देखें तो यहाँ पर मिल सकती है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आईटीसी को अब जो करूँगा, मैं इसको पहले बाय करूँगा, और बाय करने के बाद में यहाँ पर हमारा डिलीवरी में बाय हो रहा है, तो सिंपल मैं जो है इस पर इंट्राडे पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर सेक्शन है, यहाँ पर हमें ऑर्डर लगाना होता है सिंपल। उसके बाद में यहाँ पर हमें क्वांटिटी भर लेनी है, तो सिंपल यहाँ पर मैं जो है आईटीसी की 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ इंट्राडे के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मार्केट पर बाय कर रहा हूँ, और सिंपल इसे स्वाइप टू बाय पर, सिंपल नॉर्मली तरीका है, इस तरीके से मैं इसे बाय कर सकता हूँ मार्केट प्राइस पर, ठीक है। अगर आपको लिमिट प्राइस पर करना है तो लिमिट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर भर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस पर को बाय कर रहा हूँ। सिंपल मैंने बाय पर स्वाइप टू बाय पर क्लिक कर दिया, अब ये मेरा ऑर्डर जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑर्डर कंप्लीट, ठीक है। यहां पर लिखा है मोड बाजलिस्ट में जा सकते हैं, व्यू पोजीशन में जा सकते हैं, तो सिंपल मैं व्यू पोजीशन पर गया। अब यहां पर हमें 0.50% या 1 रुपए का लॉस, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहां पर शो होने लगेगा, प्रोडक्ट टाइप हमारा यहां पर, क्वांटिटी यहां पर, सारी चीजें हमें डिटेल यहां पर मिलने वाली है। सिंपल इसको हमें जो है अब इस ऑर्डर में सिंपल हमें मान लो कि यहां पर हमें इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, इंट्राडे के दौरान स्टॉप लॉस लगाना है, तो सिंपल यहां पर अगर आपको और भी ज़्यादा क्वांटिटी बाय करनी तो बाय मोर पे कर सकते हैं, वरना आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिट पे पहुँचे हम, और एग्जिट पे पहुँचने के बाद में हमें फिर से वही ऑर्डर सेक्शन वाला मिला जहाँ पर हमने ऑर्डर बाय का लगाया था। अब हम इस एग्जिट वाला स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ गई, जो हमने क्वांटिटी ली रखी थी, मार्केट हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर सिंपल हमें चार ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, मार्केट लिमिट, एस एल लिमिट और एस एल मार्केट, ठीक है। तो सिंपल मुझे एस एल लिमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे लिमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना लिमिट प्राइस बनना है, यानी कि कितने के रुपए का हम स्टॉप लॉस सह सकते हैं। तो हमने जो बाय किया था 329 रुपये के आसपास बाय किया था, यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, यानी कि मैं इसको 326 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, यानी कि मैं जब भी मेरा 3 या 3.5 रुपये का मुझे लॉस होगा यहाँ से मेरा ऑर्डर जो है लग जाएगा। उसके बाद में नीचे हमें जो है इसका टिकर प्राइस बनना है। टिकर प्राइस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, अगर टेस्ट प्राइस ना पता तो यहाँ पर बता दूँ मैं। टिकर प्राइस यानी कि जब मार्केट जो भी प्राइस आप भरोगे यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है टिकर होगा, उसके बाद जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मुझे टिकर प्राइस भरना, तो टिकर प्राइस मैं भर लेता हूँ 326 रुपये ही भर लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक जैसा ही काम करता है। वरना आप 300 यहाँ पर 326 रुपये 10 पैसे भर सकते हैं, मैं 0.10 पैसे चलो मैं भर लेता हूँ, ठीक है। 326 रुपये 10 पैसे भर लिया, उसके बाद में स्वाइप टू सेल पर क्लिक करना है। अब स्वाइप टू सेल पर क्लिक करने के बाद में हमारा जो है ऑर्डर टारगेट पेंडिंग, यानी कि ये ऑर्डर पेंडिंग में लगा है, क्योंकि हमने अभी करंट में तो बेचा नहीं है, तो हमारा ऑर्डर पेंडिंग में लगेगा। तो सिंपल ही हमारा ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पर मॉडिफाई कैंसिल वही सेम तरीका है, उसके बाद यहाँ पर बैक करते हैं। बैक करने के बाद में सिंपल हमें जो है अपनी ट्रेड वाली पोजिशन पर जाना है। ट्रेड वाली पोजीशन पर जाने के बाद में हमें जो है ऑर्डर अपने देखने हैं। तो हमारा जो पोजीशन वाला ऑर्डर है वो हमारा ये हैगा, आज के जो हमने अभी लगाया करंट में आपको वीडियोस बनाने के लिए, तो हमारा आईटीसी है, ठीक है। यानी कि पोजीशन ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। जो हमने अभी सेल वाला पोजीशन लगाया, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा एक है, ठीक है। इससे हमारी हिस्ट्री आ गई। पोजीशन में जाकर देखें तो पोजीशन पर सिंपल क्लिक करेंगे तो हमने ये आईटीसी का हमें अभी प्रॉफिट हो रहा है लगभग 1 रुपये का। खैर कोई बात नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका पीएल यहाँ पर भी देख सोने लगेगा। अब इसे हमें एक बार भैया हमने जो स्टॉप लॉस लगा लिया, अब यहां पर हमें टारगेट ऑर्डर लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस का ऑर्डर तो लग गया हमारा, अब हमें यहां पर टारगेट का लगाना। तो सिंपल हमें जो है पोजीशन वाले सेक्शन में जाकर और हमें ओपन पोजीशन में आईटीसी पे ही क्लिक करना है, यानी कि हमने जिस चीज को बाय किया उस पर ही हमें सिंपल क्लिक करना। अब क्लिक करने के बाद में हमारा जो है फिर से वही सेक्शन दिखने के लगा, और यहां पर सिंपल मुझे एग्जिट पर फिर दोबारा से जाना है।
एग्जिट पे जाने के बाद में फिर से हमारा वही कंडीशन है, वही तरीका है। उसके बाद में यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ गई मार्केट लिमिट एसएल लिमिट। तो सिंपल हमें एसएल लिमिट पे जाना है। अब एसएल लिमिट पे जाने के बाद में हमें, अब पहले जो हमने प्राइस भरा था वो 326 रुपये भरा था, अब हमें टारगेट प्राइस भरना है तो हमें भरना 335 रुपये। यानी कि भाई जब भी 335 जाएगा तब भी हमारा ऑर्डर काम करेगा, ठीक है, 335 रुपये। अब यहाँ पर टारगेट प्राइस भर लेते हैं, तो टारगेट प्राइस हम भरेंगे 334.90 पैसे, ठीक है, यानी कि 10 पैसे के डिफरेंस हम अपना टिकट प्राइस भरते हैं। सिंपल मैंने 10 या 20 पैसे के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग भर दिए। उसके बाद में सिंपल हमारा ऑर्डर वही तरीका लगाने का, मतलब दोबारा हम लगाने, क्योंकि अब हम लगाने टारगेट के हिसाब से, पहले लगाया था हमने स्टॉप लॉस के हिसाब से, ऑर्डर वही लग रहा है। उसके बाद में हमें स्वाइप टू सेल पर क्लिक करना है। अब स्वाइप टू सेल पर क्लिक करने के बाद में हमारा ऑर्डर ओपन, ठीक है, यहाँ पर ये भी ऑर्डर हमारा लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस ऑर्डर में देखें, अगर यहाँ पर मॉडिफाई पर सकते हैं तो मॉडिफाई पर कर सकते हैं, वरना हम फिर से वही बैग जाकर अपनी ऑर्डर वाली सेक्शन में जाकर देखेंगे। अब यहाँ पर हमने फिर से दोबारा से ट्रेड पे क्लिक किया। अब ट्रेड पे क्लिक करने के बाद में हम जो देखते हैं, हमारी पोजीशन वाला जो ऑर्डर है वो 100 हो रहा है और ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर जो है हमारे 200 हो रहे हैं, क्योंकि हमने दो लगा दिए। तो हम पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वही नॉर्मल सी पोजीशन है, लॉस हो रहा है अभी तो भैया। और यहाँ पर ऑर्डर पर जाएंगे तो हमारे दो ओपन ऑर्डर हो गए, यानी ओपन ऑर्डर हमारे दो हो गए यहाँ तक, ठीक है, यानी कि ये भी सेल का है और ये भी सेल का है। तो एक जो ऑर्डर है वो हमारा स्टॉप लॉस का काम कर रहा है और दूसरा ऑर्डर जो काम कर रहा है वो हमारा टारगेट का काम कर रहा है। बट यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमें अपना जो है टारगेट ऑर्डर कैंसिल करना है, और अगर हमारा टारगेट ऑर्डर हिट हो जाए तो हमें अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल करना है मैनुअली। अगर आप उसको मैनुअली नहीं करें तो वहाँ पर आपका ऑर्डर दोबारा से लग जाएगा और फिर से आपको लॉस होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसा ना करें, जब भी आपका एक ऑर्डर जो है टारगेट हो जाए तो दूसरा आपको खुद से मैन्युअली कैंसिल करना होगा। तो इस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान जो है अप स्टॉक में अपने ऑर्डर लगाते हैं और दोनों ही ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको यह समझ आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान हम किस तरीके से अपना टारगेट स्टॉप लॉस और बाय ऑर्डर बाय तो हमने पहले लगा दिया, टारगेट स्टॉप लॉस एक साथ कैसे लगाते हैं, अगर इस वीडियो में आपको यह बात समझ आ गई हो कि किस तरीके से हम अप स्टॉक ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त जो है टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस एक से साथ लगाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इजीली मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल चलता हूँ, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।